अगर इन पहाड़ों की बात करें तो बात ही कुछ और है। अगर इन पहाड़ों की बात करें तो बात ही कुछ और है। कहीं दरियाए कन्हार का शोरोगुल पहाड़ों के दामन में, तो कहीं दरियाए कन्हार का शोरोगुल पहाड़ों के दामन में, तो कहीं आबशारे अपना जलवा दिखा रही हैं, तो कहीं आबशारे अपना जलवा दिखा रही हैं, तो कहीं झीलें अपना हुसन बखेर रही हैं पहाड़ों में, तो कहीं झीलें अपना हुसन बखेर रही हैं पहाड़ों में। अगर इन पहाड़ों की बात करें तो बात ही कुछ और है। अगर इन पहाड़ों की बात करें तो बात ही कुछ और है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरे पीछे ब्रिज देख सकते हैं और इस ब्रिज पे दोस्तों बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और पहली दफ़ा इस ब्रिज पर चलने का एक्सपीरियंस हुआ। दूर से तो ये ब्रिज काफ़ी दफ़ा देखा और मोटर बाइक भी आप गुजरती देख रहे होंगे। और दोस्तों ये दरिया कन्हार का आप साथ खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही कमाल का नज़ारा है। और साथ आपको आज नारायण सिटी के बाज़ार की सैर कराएंगे, यहाँ की बस्ती आपको दिखाएंगे जो 2 किलोमीटर पहले आती है। और ये आपको दूर से भी आप व्यू देख सकते हैं ब्रिज का। और दोस्तों ये 19 किलोमीटर ज़िला मनसेरा से वाक़ है दूर नारायण सिटी, और इसका ज़िला मनसेरा लगता है नारायण सिटी का। और दोस्तों ये होटलों का भी आप खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। और बाबूसर टॉप नारायण सिटी से 65 किलोमीटर की मुसाफरत पर वाक़ है। और दोस्तों ये यहाँ के आपको रिहायशियों के भी घर दिखाते हैं। ये यहाँ के रिहायशियों के घर हैं। और दोस्तों यहाँ आपको खेत खलिहान भी दिखाते हैं जो दरियाए कन्हार के किनारे पर बनाए हुए खेत हैं। और ये आप पहाड़ का खूबसूरत मंज़र देख सकते हैं। और दोस्तों ये 7904 फिट की बुलंदी पर वाक़ है समंदर सतह से। और ये कगान सिटी का दरमियाने दर्जे का शहर है नारायण सिटी। और दोस्तों ये वादी बहुत ही प्यारी और खूबसूरत वादी है और आप इसका चैट भी देख सकते हैं। और दोस्तों ये इसकी बुलंदी वगैरह भी लिखी हुई आप देख सकते हैं। और ये खेतों का खूबसूरत मंज़र आप मुलाजा फरमा सकते हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है दोस्तों। और आज हम आपको नारायण की मुकम्मल सैर करवाएंगे, बाज़ार भी आपको साथ दिखाएंगे।
और दोस्तों ये नाश्ते का मेन्यू आपको दिखाने लगे हैं जो आपको देख सकते हैं, ये पराठे साथ अंडे का सालन और साथ वो आलू का सालन है, और साथ आप देख सकते हैं, और ये सेहन में बैठ के हम नाश्ता करने लगे हैं। और दोस्तों यहाँ पर नारायण सिटी के अंदर ये इस होटल में हम 3 दिन रुके थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा केयर की, और 2 टाइम का खाना हमारा होटल वालों की तरफ से था। और दोस्तों दिन को हम घूमने चले जाते थे और सुबह का नाश्ता और रात का डिनर होटल वाले करवाते थे, और ये आप देख सकते हैं हमारे कज़न वगैरह भी नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ आपको होटल का व्यू दिखाते हैं, और ये देख सकते हैं होटल का व्यू, और ये वह ऊपर वाले रूम में हम रहते थे, और ये आपको नारायण बाज़ार के रात के कुछ व्यू दिखाते हैं और कुछ दिन के व्यू दिखाते हैं, और आप इस वीडियो को एंजॉय करें। और ये आपको PSO का पेट्रोल पंप दिखा रहे हैं नारायण सिटी के अंदर, छोटा सा ये पेट्रोल पंप है, सिर्फ़ ये एक ही पेट्रोल पंप है, और इस साथ ये छोटा सा जनरेटर आप देख सकते हैं, ये अक्सर यहाँ पर लाइट चली जाती है तो ये सार जनरेटर यूज़ कर लेते हैं। और ये नारायण सिटी में एक ही पेट्रोल पंप है, और ये बाज़ार का हम आपको दिन का व्यू दिखा रहे हैं, और आज हमारा लास्ट डे है, और आज हम फिर अपने शहर सियालकोट के लिए वापस रवाना हो जाएंगे, और ये आपको बाज़ार के खूबसूरत व्यू दिखाते हैं। दोस्तों ये ब्रिज से एक रास्ता बाबूसर टॉप को चला जाता है, और एक रास्ता सैफल मलूक झील को चला जाता है, और यहाँ पर
बाज़ार का ख़त्म हो जाता है और ये लास्ट टाइम ब्रिज से आगे फिर एक रास्ता बापसा टाप को चला जाता है और एक रास्ता सैफल मलूक झील को चला जाता है। और ये सैफल मलूक झील का खूबसूरत रास्ता आप देख सकते हैं और कुछ आपको आबशार का भी खूबसूरत व्यू दिखा देते हैं। ये आबशार भट्टा कुंडिया और बाबूसा रोड पर वाक़ है। कोई शक नहीं है।